दरभंगा डीएम ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। डीएमसीएच का अपना ऑक्सीजन प्लांट हुआ चालू। आईसीयू में 25 बेड चालू कराने के डीएम ने दिए निर्देश। दरभंगा डीएम ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आईसीयू कार्य 7 वेंटिलेटर युक्त बेड को बढ़ाने के लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज डीएमसीएच स्थापित ऑक्सीजन गैस प्लांट का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित बीएमसी आईसीएल के अभियंताओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया गया, जिससे डीएमसीएच स्वयं प्रतिदिन 45 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस निर्माण कर सकेगा। कोरोना को लेकर जारी हुआ दरभंगा में निर्देश। डीएम ने बैठक कर 6 बजे के बाद बोला नहीं खुलेंगी दुकानें। 15 मई तक शिक्षण व धार्मिक संस्थान, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दरभंगा डीएम ने संक्रमण की रोकथाम को लेकर के निर्देश जारी किया है। जिले में 100% अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक की। बैठक में दूरस्थ अनुमंडल एवं प्रखंडों के पदाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसे रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा जारी निर्देश का 100% अनुपालन करना होगा। दरभंगा जिले में भी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ गई है। 2 दिनों में 1% बढ़कर 3% हो गया है। शहरी क्षेत्र के 4 मॉल को किया गया सील। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता और पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार के द्वारा आज दरभंगा शहरी क्षेत्र के 4 मॉल कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में सील किया गया है। उनके प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 से 60, IPC धारा के 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन मॉल को सील किया गया उनमें निवान, सिटी कोर्ट व मेगा शॉप शामिल हैं। इसके अलावा लहरियासराय में भी कई मॉल पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। इन सभी को थाने में बुलाकर हिदायत दी गई है कि आइंदा अगर इस तरह का कार्य होगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के चैती दुर्गा पूजा समिति खराजपुर के द्वारा बेलनती के बाद आज माता के नेत्र देने के लिए आज 5 की संख्या में ही समिति के सदस्यों ने आज बेलनती के लिए मंदिर परिसर पहुँचे और प्रणाम करते हुए ढोल बाजे गाजे के साथ माँ दुर्गे के नेत्र को खोला गया। उनके प्रतिमा के पहले दर्शन के लिए आज लोग जमा हुए। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं को आमंत्रित नहीं किया गया था। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मात्र समिति के ही सदस्यों को आमंत्रित करते हुए मां दुर्गा के दर्शन कराए गए एवं सभी लोगों को घर में रहकर ही पूजा अर्चना करने की बात की गई। आज मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आज पूजा समिति के सदस्य और कुछ श्रद्धालु ही नजर आए। कहा जाता है कि मंगलवार को खोइंचा भरा जाएगा। आज माता का 7वें रूप का दर्शन आज किया गया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकार के निर्देश के बाद अब सभी पूजा समिति अब श्रद्धालुओं से अलग रहकर पूजा करने का निर्देश दी है ताकि भीड़ कम हो सके। कुशेश्वर स्थान के भिड़वा पंचायत में मनरेगा नल जल योजना में पाई गई अनियमितता। पूर्व PO JEE PTS एवं PRS से 1,06,000 रुपये वसूली का दिया आदेश। एक समाचार पत्र का संज्ञान लेते हुए संयुक्त सचिव बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ग्रामीण विभाग के निर्देश पर उप विकास आयुक्त तनेज सुल्तानिया द्वारा बिरौल के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नदीमुल गफ्फार से भिड़वा पंचायत के नलजल आवास योजना मनरेगा की जांच कराई गई, जिसमें गलत पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह जहाँ भी सूचना मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दरभंगा के तमाम व्यावसायिक संगठनों एवं सभी दुकानों को यह मैकिंग कराकर जिला प्रशासन ने कहा था कि शाम 6 बजे से पहले ही वो अपनी दुकानें बंद कर दे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत दरभंगा में शाम 6 बजे के बाद आज दुकानें बंद नजर आई। कहा जाता है कि कई दुकानदारों ने 6 बजे से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर दी। भीड़ भाड़ से बचने के लिए दरभंगा की सड़कें सूनी नजर आने लगी। हालांकि इक्का दुक्का वाहनों को गुजरते देखा जा रहा था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे को देखते हुए सभी कार्यालय 5 बजे तक बंद करने के तहत दरभंगा DSP अनुज कुमार ने देर शाम होते ही अपने कार्यालय को बंद करते हुए कर्मचारियों को छुट्टी देते हुए ये कहा। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अपने कार्यालय कक्ष में वो प्लास्टिक का एक बड़ा लेयर वाला पर्दा लगाए हैं ताकि बाहर से उनसे मिलने आने वाले लोग
दूरी बनाकर रह सकें। गौरतलब है कि उनसे मिलने के लिए कई अधिकारी कर्मचारी एवं आम जनता आती है, जिससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीएसपी अनोज कुमार ने अपने कक्ष में इस तरह की नई व्यवस्था की है ताकि कर्मचारी के साथ वो खुद अपने आप को सुरक्षित रख सकें। दरभंगा में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भाड़ इलाके से सब्जी बाजार को हटाने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है। दरभंगा नगर निगम ने कहा है कि लड़ियासराय गुदरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं को यहां से हटाकर नेहरू स्टेडियम में पिछले साल की भांति लगाया जाए, लेकिन यहां के सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि स्टेडियम के बाहर लगाने से उनके सब्जी का नुकसान हो सकता है और वहां ना पानी और शौचालय का सुविधा है। इसके अलावा तेज धूप की वजह से उन्हें समस्या हो सकती है। इन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन व्यवस्था नहीं करेगी तब तक सब्जी वाले वहां नहीं जाएंगे। लहरियासराय गुदरी बाजार सब्जी मंडी के लिए जो स्थानांतरित किया गया है पोलो फील्ड में, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और कैंपस से बाहर में रखने के बाद वहाँ पर कोई प्रकार का सुविधा नहीं जो रात में माल छोड़ करके आ रहे। ऐसे परिस्थिति में गरीब आदमी बर्बाद हो जाएंगे। तो पूर्व की भांति जो दिया गया था स्थान कैंपस के अंदर, उसी में शिफ्ट करने की कृपा किया जाए ताकि गरीबों का सुरक्षा उसमें हो सके। श्यामा सर्जिकल संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई का डीएम ने दिया आदेश। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमित के लिए निजी अस्पतालों के इलाज सुविधा करने हेतु डीएमसीएच से संबंध 16 प्रमुख निजी अस्पतालों के निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में एक निगरानी कमेटी का गठन किया गया था, जिसके तहत इस क्रम में अस्पतालों में से एक श्यामा सर्जिकल संस्थान आईटी चौक जीएम रोड दरभंगा के निरीक्षण के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी द्वारा यह पाया गया कि कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए अभी तक कोरोना वार्ड चालू नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए विरुद्ध आपदा प्रबंधन के नियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा के व्यवसायिक संघों के साथ डीएम ने की बैठक। सप्ताह में 3 दिन स्वेच्छा से बंद रखेंगे दुकान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कई गुना बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 अप्रैल को सरकार द्वारा जारी निर्देश से चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा एवं उपस्थित अन्य व्यवसायी संघ को अवगत कराते उन्हें दरभंगा शहरी क्षेत्र के दुकानों को स्वेच्छा से सप्ताह में 3 दिन बंद करने को कहा गया है ताकि कोरोना के संक्रमण और चेन को रोका जा सके।